कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में एक और खातून पर चाकू से हमला। पांच रोज में मुतासरा खवातीन की तादाद सात हो गई। इलाके में खौफ का राज, हमलावर कौन है? सरकार और पुलिस बताने में नाकाम। कोई गिरोह नहीं, सिर्फ एक शख्स की कारिस्तानी है। गिरफ्तार मुल्जिम कानून की गिरफ्त में ना आ सका। आईजी सिंधेटी ख्वाजा कहते हैं कि हमलावर एक ही है। ये एक आइसोलेटेड हेलमेट पहने हुए एक जवान है जो रात को अंधेरे में और बिला तफरीक उम्र के या किसी रंग नस्ल के या मजहब के या कपड़ों के, वो एक शार्प चीज है जो कि वो लगाता है। कराची का पौश इलाका दहशत के साए में, अवाम को तहफ्फुज कौन फराहम करेगा? सूबाई वजीर दाखिला पहले ही इसे छोटा मसला करार दे चुके हैं। इतनी बड़ी कोई सीरियस चीज पे नहीं है, मैं समझता हूँ कोई साइको है, लेकिन पुलिस इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको गिरफ्तार कर लेगी। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का। नबी आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के चैन, अली और फातिमा के नूरे नजर, वतन अजीज के चप्पे चप्पे पे जिक्र हसरत इमाम हुसैन, सुल्तान करबला की अजीम कुर्बानी की याद में शबीर जुलजना अलम ताबूत ताजिए और गहवाराए अली असगर के जुलूस निकाले गए। शोदाए करबला को खिराज अकीदत और सैयदा जहरा के लाल की पुरसादारी के लिए शहर शहर गली गली महफिल और मजालिस अज़ा। अज़ादारों की सीना को भी जंजीर जनी और नोहा खानी। उल्मा और जाकरीन ने मसाइब अहले बैत बयान किए। मजलूमीन की प्यास याद करके आज भी हर आंख अश्कबार, हर दिल उदास। करबला हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों की याद में जगह जगह नजरों न्याज और सबीलों का एहतमाम। गुजरात में आजादारों के सोने के गिलास में दूध से तवाजो। कहीं बिरयानी तकसीम की गई, किसी ने पुलाव पर न्याज दिलवाई तो किसी ने हलीम खिलाई। कराची में जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के कड़े पहरे। एमएचएनआर रोड के अतराफ की सड़क लगाकर बंद, दुकानें सील, इमारतों पर शार्प शूटर्स तैनात, मोबाइल फोन सर्विस बहाल। डीजी रेंजर्स का सिक्योरिटी इंतजाम का फिजाई जायजा। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस बंद नहीं की गई। जुलूसों की गुजरगाहों पर पुलिस, रेंजर्स, एफसी जवान सिक्योरिटी पर तैनात रहे। मुख्तलिफ शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी दूसरे रोज भी बरकरार, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग। कराची वाटर बोर्ड में इमरजेंसी नाफिस। एमडी वाटर बोर्ड ने मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी। तमाम मुलाजमीन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। आशूरा के इज्तिमा को मुफ्त पानी की फराहमी के लिए खुसूसी टैंकर सेल कायम। एफसी ने पशीन में आशूरा पर दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। आईएसपीआर के मुताबिक बारूद से भरी गाड़ी पकड़ी गई, तीन दहशत गर्द गिरफ्तार। मुख्तलिफ शहरों में फोर्सेस के छापे, 30 से ज्यादा मुलजिमान जेरे हिरासत। ऑफलाइन हक के सालार और इनके रुफा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दुनिया भर से जायरीन की करबला आमद। असदारों के लिए लंगर का एहतमाम, मजालिस, नुहा खानी, मातम, गिरिया और पुरसा। आज न्यूज की करबला से पल पल की कवरेज। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने कश्मीरियों की मजहबी आजादी भी सल्ब कर ली। काबिज फोर्सेज ने आशूर के जुलूस पर लाठीचार्ज किया, मुतादिद अजादार जख्मी, दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुर्रियत रहनुमा नजरबंद। गंज बख्श, फैज़े आलम, मज़हरे नूरे खुदा, मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल दिया गया। गुस्ल में 5 मन अरके गुलाब इस्तेमाल किया गया। वजीर आला पंजाब, वजीर खजाना समेत अरकीन पार्लियामेंट की शिरकत। मुल्की सलामती के लिए दुआएं।
سینٹرل جیل کراچی سے خطرناک قیدیوں کے فرار کا معاملہ، محکمہ جیل اور سی ٹی ڈی میں چھن گئی۔ کاؤنٹر ٹیررزم سیل کے خلاف خط کے بعد تفتیش سی ٹی ڈی سے لے کر کرائم برانچ کو منتقل کر دی گئی۔ پینما میں کوئی الزام نہ تھا، اگر پینما میں کچھ ہوتا تو اقامے کا سہارا نہ لینا پڑتا۔ نااہلی نواز شریف ہونے کی بنا پر کی گئی، مریم نواز کا ٹویٹ۔ وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے، سیاست میں اہل اور نااہل کا فیصلہ عوام کرتے ہیں، عوام نے کبھی عدالتی فیصلہ قبول نہیں کیا۔ صوبائی وزیر کی آج نیوز اسپیشل میں بات چیت۔ تحریک انصاف اور ایم کیو ایم نے متحدہ اپوزیشن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، حکومت اس تقسیم سے بڑا فائدہ اٹھائے گی۔ تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے علاوہ تمام دوست میرے ساتھ کھڑے ہیں، خورشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 2 روپے کا اضافہ، پیٹرول کی قیمت 73.50 روپے مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 79.40 روپے، مٹی کا تیل 4 روپے مہنگا، قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ کراچی سے 2003 میں القاعدہ کا اہم رہنما ولید عطاش گرفتار کیا گیا، جو اس وقت گونتا نامو بے میں قید ہے۔ آئی بی کے سابق سربراہ بشیر ولی کا آج نیوز کے پروگرام روبرو میں انکشاف۔ کراچی کے علاقے پاپوش میں ایم کیو ایم لندن کے دفتر پر رینجرز کا چھاپہ، پانی کے ٹینک میں چھپایا گیا اسلحہ پکڑا گیا۔ شاور میں ڈینگی کے مہلک وار جاری، مزید 2 متاثرہ خواتین دم توڑ گئیں، جاں بحق افراد کی تعداد 40 ہو گئی۔ پنجاب میں تھیلیسیمیا کے شکار بچے مؤثر سکریننگ نہ ہونے کے باعث ایڈز، ہیپیٹائٹس بی اور سی میں مبتلا، ادویات کی عدم دستیابی نے والدین کی مشکلات کو اور بڑھا دیا۔ بچوں کو میڈیسن نہیں مل رہی، پہلے ادھر سے ملتی تھی لیکن ہم نہیں مل رہی۔ اسے اس کو یہ ہیپیٹائٹس سی بھی ہے، ایل ایچ وی بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایڈز، یہ پھر اللہ کی مرضی ہے۔